मूवी की स्टार्टिंग में हम हेनरी नाम के एक बुक राइटर को देखते हैं, जिसके रिसेंटली अभी एक बुक पब्लिश हुई थी। ये एक लव स्टोरी पर बेस्ड थी और इसका थीम एक प्योर लव था। इसमें लस्ट के लिए कोई भी जगह नहीं थी। हेनरी को इस बुक से बहुत एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि पिछले एक साल से वो इसे लिख रहा था। जितना उसे इसे एक्सपेक्टेशन था उतना उसे रिस्पॉन्स नहीं आता। बुक पूरी तरीके से फेल हो जाती है। बुक की थीम और लोगों को स्टोरी पसंद नहीं आती। इसे बुक का सेल बहुत ही कम हुआ था। पब्लिशिंग हाउस को भी इसे बहुत नुकसान हुआ था। अब हम हेनरी को देखते हैं जो अपनी बुक के बारे में सबको बता रहा था और ऑटोग्राफ दे रहा था। उससे कोई भी ऑटोग्राफ भी नहीं ले रहा था। सिर्फ एक ही लड़की उसके पास आती है और बुक से रिलेटेड बात करती है। हेनरी ने ये भी नोटिस किया कि उसके पब्लिशिंग हाउस ने एक बुक के साथ 3 बुक्स फ्री में देने का ऑफर निकाला है क्योंकि उनकी सेल्स नहीं आ रहे थे। इस बात से हेनरी को अच्छा नहीं लगता। हेनरी यहाँ से पब्लिशिंग हाउस के मेन ऑफिस पहुँचता है जहाँ पर उसे बुलाया गया था। वहाँ पर हेनरी को बहुत ही अनएक्सपेक्टेड न्यूज मिलती है कि उसकी बुक मैक्सिको में बहुत सक्सेसफुल हो गई है और मैक्सिको में बेस्ट सेलिंग बुक बन गई थी। अब हेनरी को मैक्सिको जाने के लिए कहा जाता है जहाँ पर उसके कई इवेंट्स होंगे। यहाँ पर उसे कई फैंस मिलना चाहते थे और इस चीज के लिए हेनरी मान जाता है। आगे हेनरी को पता चलता है कि मरिया नाम की एक लड़की जो कि मैक्सिको में रहती है, उसने हेनरी की बुक को ट्रांसलेट कर उनके रीजनल लैंग्वेज में पब्लिश किया था। वो वहाँ के लोगों को बहुत पसंद आई थी। हेनरी मरिया से मिलने के लिए भी एक्साइटेड था। नेक्स्ट सीन में हम मरिया को देखते हैं जो अपने बेटे बेन को रेडी कर रही थी। आज उसके डैड उसे साथ में ले जाने वाले थे। मारिया के हस्बैंड का नाम था अंटानियो। अंटानियो मारिया से मिलने के लिए आता है। मारिया के चेहरे पर अंटानियो को देखने की खुशी हम साफ साफ देख सकते हैं। तभी अंटानियो से कहता है कि आज मुझे जरा काम आ गया, हमारे बेटे को मैं साथ में नहीं लेकर जा सकता। मारिया इस बात से बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो गई थी क्योंकि अंटानियो ने पहले भी ऐसा बहुत बार किया था। अंटानियो एज अ फादर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता था। वो हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने वाला आदमी था। इसी वजह से मारिया और अंटानियो के बीच में प्रॉब्लम्स थे। मारिया फिर उसकी बात मानकर बेटे को अपने पास ही रख लेती है। आज फिर वो हेनरी को लेने के लिए एयरपोर्ट जाती है। हेनरी जब मैक्सिको पहुंचता है तो उसे काफी सारे मैसेजेस आने लगते हैं। ये ज्यादातर लड़कियों के न्यूड वीडियोस थे। हेनरी इस बात से सरप्राइज्ड हो जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। आगे चलकर हेनरी को अपने बुक का कवर पेज देखता है जो काफी सिडक्टिव था। इस चीज से हेनरी जरा हैरान हो गया क्योंकि उसके बुक में सिडक्शन नाम का कुछ भी था नहीं। उसका बुक पूरी तरीके से प्योर लव पर बेस्ड था। हेनरी मारिया से मिलता है पर उन्हें जरा लेट हो गया था, तो जल्दी से हड़बड़ी में वो अपनी कार में बैठता है। कार में हेनरी की मारिया से बात होती है। उसमें उसे पता चलता है कि मारिया को बुक को ट्रांसलेट करने के लिए वहाँ के पब्लिशर जिसका नाम था पेड्रो उसने पैसे दिए थे। अब इवेंट पर सब लोग हेनरी का इंतजार कर रहे थे। हेनरी वहाँ पर पहुंचते ही सारी लड़कियां हेनरी को बहुत ही अच्छे लुक्स देने लग गए। हेनरी को ये बात समझ में नहीं आती। उस पर एक लेडी ने अपना अंडरवेयर फेंक कर मारा और उसे फिर वो ब्लिंक करती है। हेनरी अपने बुक का पोस्टर भी देखकर जरा सरप्राइज्ड हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही रिवीलिंग था। इसके बाद वहाँ की इंटरव्यूअर हेनरी का इंटरव्यू लेना स्टार्ट करती है। वहाँ की सारी लेडीज एक्साइटेड हो गई। हेनरी अपने बुक के बारे में सब लोगों को बताते हुए कहता है कि उसके नजर में लव एक प्योर चीज है, उसे लस्ट से अलग कर देना चाहिए। इस बात से वहाँ पर बैठे हुए लोग जरा हैरान हो जाते हैं। इसका रीजन हमें जल्दी ही पता चलेगा। मारिया फिर इस क्वेश्चन को लीड करती है और कहती है कि लव और लस्ट ये दोनों चीजें कनेक्टेड ही है। ये बात करने के बाद वहाँ पर कोई भी एबनॉर्मल रिएक्ट नहीं करता। हेनरी और मारिया की बातें कंट्राडिक्ट कर रही थी, इसलिए गुस्से में मारिया वहाँ से चली जाती है। वैसे भी इवेंट खत्म हो चुका था। हेनरी भी उसके पीछे पीछे आता है। हेनरी उसे जाकर पूछता है कि लोग ये बात क्या कर रहे हैं, मेरे बुक में तो लस नाम की कोई भी चीज नहीं है, यहाँ पर बुक का कवर भी ऐसा क्यों है। मारिया उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे बुक में जरा चेंजेस किए थे, इसके बारे में हेनरी को पता नहीं था। एक्चुअल में मारिया ने हेनरी की बुक को ट्रांसलेट तो किया था, लेकिन उसने बुक में लव की थीम को लस्ट में पूरी तरीके से चेंज कर दिया था। इसी वजह से बुक काफी लोगों को पसंद आई थी। ये बात हेनरी को पसंद नहीं आती क्योंकि उसे पैसों और फेम से ज्यादा अपनी आइडियोलॉजी पर ट्रस्ट था। इसी वजह से हेनरी और मारिया के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाता है। इस पर मारिया कहती है तुम्हारी बुक बहुत ही बोरिंग है, अगर मैं उसे ट्रांसलेट नहीं करती तो कभी भी बेस्ट सेलिंग नहीं बनती। इसी बीच वहाँ पर पेड्रो आ जाता है। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है कि वही वो मैक्सिकन पब्लिशर है जिसने उसकी बुक को पब्लिश किया था। इसके बाद वो सब मिलकर फिर नेक्स्ट इंटरव्यू पर जाने लगते हैं जो टीवी पर होने वाला था। रास्ते में जाते वक्त हेनरी और मारिया के बीच में बुक को लेकर फिर से बहस होने लग जाती है। इसी बीच हेनरी चिल्लाकर कार को रोकने के लिए कहता है। कार से निकलकर फ्रस्ट्रेटेड एक्ट करने लगता है। मारिया भी कार से निकली, उसे चेंजेस करने के लिए सॉरी कहती है, पर फिर भी हेनरी बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। उनके बीच फिर पेड्रो आता है
वो उन दोनों को समझाने की कोशिश करता है। कहता है कि तुम दोनों को मिलकर साथ में काम करना है, अगर इस तरीके से तुम झगड़ते रहोगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। दोनों फिर जरा शांत हो जाते हैं और कार में फिर से जाकर बैठ जाते हैं। कार में भी एक दूसरे को ताना मारते ही रहते हैं। इवेंट की जगह पर वो पहुंचे तो ये बहुत ही बड़े न्यूज चैनल की इंटरव्यू थी। वहां पर हेनरी जब अपने बुक का पोस्टर देखता है जो बहुत बड़ा था, तो वो रियलाइज करता है कि बुक बहुत फेमस हो गया है। हेनरी की जो मेकअप आर्टिस्ट होती है वो हेनरी को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि वो भी उसकी फैन थी। हेनरी को ये सब बातें कुछ ज्यादा समझ में नहीं आती। इंटरव्यू स्टार्ट होता है और इसमें इंटरव्यूअर हेनरी से सवाल करना स्टार्ट कर देती है। मारिया भी वहीं पर बैठी हुई थी। हेनरी सारे सवालों के अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से जवाब देता है। जो वो प्यार के बारे में सोचता है ये सब कुछ वो बता रहा था। ये सब इंटरव्यूअर को बहुत ही कंफ्यूज कर देता है क्योंकि हेनरी की बुक बिल्कुल ही अलग थी। इंटरव्यू जरा वियर्ड होने लगता है। तभी मारिया किसी तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करने लगती है। वो फिर रियलाइज नहीं होने देती कि दोनों की आइडियोलॉजीज अलग अलग है। इसके बाद हेनरी फिर अपने फैंस को ऑटोग्राफ देता है और फिर वो सोने के लिए चला गया। सोते हुए उसे पहली इंग्लिश पब्लिशर का कॉल आता है। उसे कहती है कि बुक यूके में पब्लिश होने वाली है। बुक को लेकर वहाँ पर काफी हाइप है। इसका रीजन है मैक्सिकन पब्लिशिंग। वो पब्लिशर उसे बुक का कवर भी दिखाती है। इस पर न्यूड लड़की की फोटो लगी हुई थी। इस बात से हेनरी जरा ऑकवर्ड हो जाता है। उसे कवर पसंद नहीं आता। हेनरी की नींद टूट जाती है। इस वजह से वो नीचे आकर मारिया के पास चला जाता है। उसके बुक के थीम को लेकर अपने आइडियाज वो लिख रही थी। वो दोनों बात करने वाले थे तभी मारिया उसी होटल में अंटानियो को देखती है। मारिया ने वहां पर अंटानियो को एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि उसने उसे कहा था कि उसे जरूरी काम की वजह से बाहर जाना पड़ रहा है। वो सब कुछ झूठ था। असल में अंटानियो घूम रहा था, एंजॉय कर रहा था। मारिया अंटानियो के पास जाती है, उसे चिल्लाने लगती है और अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। वो हमेशा उसे भगाने की कोशिश करता है। इन सब बातों के बारे में वो बात करने लग गए। अंटानियो मारिया को मनाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती और गुस्से में वहां से चली जाती है। इस सब के बीच अंटानियो ने हेनरी से उसे बात करते हुए देखा था। नेक्स्ट डे सब घर के लिए निकल जाते हैं जहाँ हेनरी और मारिया एक दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव कर रहे थे। अब उनके बीच में थोड़ी सी फ्रेंडशिप हो गई थी। उनकी कार तभी खराब हो जाती है। कार से निकलकर सबने देखा तो टायर पंचर हो गया था। मारिया ने उसे चेंज करने के लिए कहा। इसी दौरान बेन बाहर आकर खेलने लगता है। मारिया हेनरी से बात करती है, कहती कि अंटानियो मेरा हस्बैंड है पर फिर भी सारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ही संभालनी पड़ती है। वो कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। वो पार्ट टाइम स्कूल में एज अ टीचर काम करती है। वहां पर उसे ज्यादा पैसे भी नहीं मिलते। इस सिचुएशन में अपने फैमिली को संभाल भी नहीं पाती। इस सब के बीच उसका भी एक राइटर बनने का सपना है। वो राइट करने के लिए टाइम निकालना चाहती है पर ये हो नहीं सकता। वो इसी वजह से बुक्स को ट्रांसलेट करती है और इसी से उसे खुशी मिलती है। एंड में वो कहती है कि एक ग्रैंडपा और एक बच्चे को संभालना उसके लिए सरदर्द है। ये बात बेन सुन लेता है और गुस्से में वहां से दूर जाने लगता है। उसे मनाने के लिए मारिया उसके पीछे जा रही थी पर मारिया को हेनरी रोक लेता है। वो खुद बेन को मनाने के लिए जाता है। हेनरी उसके पास जाकर उसे कहता है, तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए कितना काम करती है, तुमसे बहुत प्यार करती है। इसके रिटर्न में तुम्हें भी अपनी मदर को समझ लेना चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए, उनकी बातें माननी चाहिए। बेन इस बात को मान जाता है, अपनी मॉम को जाकर हक करता है। इस चीज से मारिया बहुत खुश होती है। हेनरी के लिए अब वो जरा भी गुस्सा नहीं रहती। वो दूसरे इवेंट के लिए जा रहे थे तभी रास्ते में हेनरी की बुक के काफी सारे फैंस आ जाते हैं। उनकी कार को घेर कर ऑटोग्राफ मांगने लगते हैं। हेनरी को ऐसा बहुत अच्छा लगता है। रात में एक इवेंट स्टार्ट होता है जो लाइव टीवी पर दिखाया जा रहा था। ये हेनरी के लिए काफी बड़ी बात थी और ये लाइव शो एंटोनियो भी एक रेस्टोरेंट में बैठकर देख रहा था। अब शो स्टार्ट होता है और हेनरी बुक का आइडिया एक्सप्लेन करने लगता है। मारिया भी अपने ट्रांसलेशन वाले बुक के बारे में बात करने लगती है। दोनों अलग अलग बात कर रहे थे पर दोनों मिलकर ही कंट्रोल कर लेते हैं। इवेंट खत्म होने के बाद मारिया अलग बैठी हुई होती है। हेनरी उसके पास वोडका लेकर आता है। दोनों भी ड्रिंक करते हुए बात करते हैं। इसमें हम समझ सकते थे कि दोनों स्लोली स्लोली एक दूसरे के करीब आ रहे थे। नेक्स्ट डे मारिया और उसकी फैमिली वापस घर आ रहे थे क्योंकि सारे इवेंट सब खत्म हो गए थे। उनके वहां पर रुकने का कोई भी रीजन नहीं था लेकिन बेन को हेनरी से दूर रहने में जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। हेनरी और मारिया भी एक दूसरे से दूर होने में खुश नहीं थे क्योंकि एक दूसरे को लाइक करने लग गए थे। अब ना चाहते हुए भी दोनों को अलग होना पड़ता है। इसके बाद जब वो घर पर पहुंचते हैं तो अंटानियो पहले से ही मारिया से बात करने के लिए रेडी था। मारिया उस पर बहुत गुस्सा थी। अंटानियो को लग रहा था कि शायद हेनरी और उसके बीच में कुछ हो गया है। अंटानियो मारिया को मनाने लगता है। उसे वो ऐसे जताने लगता है कि अब वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी है। मारिया भी फिर अंटानियो पर ट्रस्ट करने लग गए। दूसरी तरफ हम हेनरी को देखते हैं। उसे अपने पब्लिशर का कॉल आता है। उसे कहती है कि उसे अगली बुक पर काम स्टार्ट कर देना होगा क्योंकि उसकी बहुत ही हाइप ज्यादा बढ़ गई है। पब्लिशर ने कहा कि तुम पैसों की कोई भी चिंता मत करना, तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने सब कुछ मिलेंगे। यहाँ पर एक कंडीशन थी कि हेनरी को नेक्स्ट 2 वीक में अपनी बुक को लिखकर कंप्लीट करना पड़ेगा। इस बात के लिए हेनरी मान भी जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एंटोनियो को देखते हैं।
जो सोते हुए मरिया के पास जाकर उसके साथ अपनी कुछ फोटो लेता है। इन फोटो में वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था जैसे वो दोनों बहुत करीब हो। एंटोनियो ने ऐसा क्यों किया था इसका रीजन हमें बाद में पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हेनरी मारिया को कॉल कर बुलाता है ताकि वो दोनों मिलकर इस बुक पर काम कर सके। साथ में उनका मैसियन पब्लिशर पेड्रो भी वहां पर आता है। उस शाम हेनरी अकेले बुक पर काम करना स्टार्ट कर देता है जब वहां पर मारिया नहीं थी। जब ये बात मरिया को पता चलती है तो हेनरी पर गुस्सा होकर कहती है कि उनका पहला रूल होगा कि वो अकेला कोई भी बुक नहीं लिखेंगे, दोनों साथ में मिलकर इस स्टोरी पर काम करेंगे। वो फिर इसकी स्टोरी बनाने का काम स्टार्ट करते हैं। इसमें दोनों को बहुत अच्छा लगता है। वो एक ऐसी स्टोरी पर काम कर रहे थे जिसमें एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के प्यार में है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चल रहा क्या वो सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो एक्चुअल में एक दूसरे के बारे में ही इस बुक में लिख रहे थे। अब इसी तरीके से दोनों की लगभग पूरी हो जाती है, लेकिन एंडिंग में दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करने लगते हैं। दोनों एंडिंग को अलग अलग तरीके से सोच रहे थे, इसे दोनों की बातें कंप्लीट नहीं हो रही थी और बुक की एंडिंग पूरी नहीं होती। रात में पास में एक कार्निवल था और मारिया को यहाँ पर जाना था, इसके लिए बहुत एक्साइटेड थी, तो दोनों मिलकर फिर कार्निवल में जाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। वही बार एंटोनियो अपने दोस्तों के साथ मिल जाता है। वो पहली बार हेनरी से बात करता है। वो इनडायरेक्टली मरिया को कहता है कि वो किसी पराए मर्द के साथ घूम रही है, टाइम स्पेंड कर रही है, उसे पसंद नहीं। मरिया उसकी बातों को इतना वैल्यू नहीं देती, हेनरी को लेकर एंजॉय करती है। इससे एंटोनियो काफी गुस्सा हो जाता है। दोनों कार्निवल में बहुत एंजॉय करते हैं। इसके बाद थक कर दोनों साथ में बात करने के लिए बैठते हैं। दोनों की बातों से ये पता चलता है कि दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत पसंद है। वो फिर एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद घर जाकर वो इंटीमेट हो जाते हैं। ये चीज पेड्रो को भी बाद में पता चलती है। वो समझ आता है कि दोनों एक दूसरे के प्यार में है। दोनों ने अब बुक की एंडिंग को डिसाइड कर लिया था, इसलिए सुबह उठकर हेनरी बुक की एंडिंग पर काम करने लगता है। वो बहुत ही खुश था क्योंकि उसे एक सच्चा प्यार मिल गया था। मारिया भी यही सेम फील कर रही थी। वो हेनरी के साथ बहुत खुश थी। हेनरी अब खुशी खुशी पेड्रो के साथ मारिया की बातें करते हुए एंडिंग को थोड़ा बहुत लिखने लग जाता है। तभी उसके फोन पर एंटोनियो का मैसेज आया। इस मैसेज में एंटोनियो ने उसे वही फोटो भेजी थी जिसमें लग रहा था कि वो और मारिया दोनों साथ में है। इसके बारे में मारिया को कुछ भी आइडिया नहीं था। एंटोनियो को इसका अंदाजा हो गया था कि हेनरी और मारिया के बीच में कुछ चल रहा है। इसी वजह से उनकी रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए हेनरी को उसने फोटो भेजी थी। हेनरी ये फोटो देखकर बहुत दुखी हो जाता है और बुक की स्टोरी फिर अकेला ही एंड कर देता है। जब मारिया बुक पर काम करने के लिए आई तो वो देखती है कि बुक की एंडिंग ऑलरेडी हो चुकी है और ये देखकर वो हैरान होके, उन दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि वो दोनों मिलकर इस बुक पर काम करेंगे। मारिया हेनरी को ये करने का रीजन पूछती है। हेनरी मारिया को एंटोनियो के भेजे हुए फोटोज दिखाता है। मारिया फोटोज देखकर कहती कि मुझे इन फोटोज का कुछ भी आइडिया नहीं है, उसे एंटोनियो से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उसे दुख होता है कि हेनरी को उसकी बात पर भरोसा नहीं है। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से जाने लगती है। हेनरी सारी चीजें क्लियर करने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है, पर बात बहुत आगे बढ़ जाती है। दोनों फिर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। दोनों अलग अलग रहने लग गए और एक दूसरे से कॉन्टेक्ट भी नहीं रखते। दूरी होने के बाद भी एक दूसरे के लिए उनका प्यार कम नहीं होता। दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोचते रहते हैं। इसी बीच हेनरी का नेक्स्ट बुक रिलीज हो जाता है। इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया और बुक बेस्ट सेलिंग बन गई। इसके बाद कई इवेंट्स रखे जाते हैं। इसके पोस्टर काफी जगह लगाए गए थे। इसी एक पोस्टर को जब मारिया देखती है तो हैरान हो जाती है कि हेनरी ने बुक राइटर्स में मारिया का भी नाम लिखा था। ये उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसके बाद फिर वो हेनरी की इवेंट पर गई। हेनरी अपने इवेंट में मारिया के बारे में सबको बताता है। वो उसकी ट्रांसलेटर नहीं है बल्कि बुक की इक्वल राइटर है। ये सब बात मारिया सुनती है। इसके बाद मारिया माइक लेकर बोलने लगती है। दोनों एक दूसरे के लिए अपने प्यार को कन्फेस करते हैं। तभी वहां पर एंटोनियो आ जाता है। हेनरी पर बहुत गुस्सा था क्योंकि उसने मारिया को उससे दूर कर दिया है। मारिया फिर खुद से कहती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। उनकी रिलेशनशिप बहुत टाइम से ही खत्म हो गई थी। इस बात से गुस्सा होकर एंटोनियो हेनरी को मारने के लिए स्टेज पर चला जाता है। एंड में उसे सिक्योरिटी गार्ड्स वहां से लेकर जाते हैं। बैक स्टेज पर मारिया और हेनरी दोनों मिले। एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश थे। वो सभी लोगों के सामने एक दूसरे को किस करते हैं। ये देख सभी इमोशनल हो गए थे। एंड में हम देखते हैं कि दोनों ने मिलकर अपनी लाइफ साथ में स्टार्ट की है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।